ब्रह्म कुमारी संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो की तरफ से बनाई गई द लाइट एनिमेटेड मूवी का स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाना है, जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कल से शुरू होगी। मार्च से अप्रैल तक सिनेमाघरों में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद मई महीने में ये मूवी पूरे देश में रिलीज होगी। गॉडली स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक हरिलाल भानुशाली ने बताया कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार के कमाल और सृजनात्मक ढंग से बनी इस एनिमेशन फीचर फिल्म में महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी ब्रह्म कुमारी संस्था के इतिहास को एक कहानी के रूप में बताया गया है, जिसमें संस्था की साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सुप्रीम लाइट परम ज्योति निराकार शिव परमात्मा की तरफ से पूरे मानवता की नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र उत्थान का कार्य दिखाया गया है, दर्शाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मूवी ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के लौकिक और अलौकिक जीवन के ऊपर एक एनलाइटनिंग बायोपिक है। इस फिल्म की पटकथा और कहानी संस्था के मुख्य लेखक दिवंगत जगदीश चंद्र हसीजा की तरफ से लिखी गई एक अद्भुत जीवन कहानी किताब से ली गई है। इस संस्था के द्वारा वुमन एम्पावरमेंट के लिए संसार में जो कार्य पिछले 85 साल से हो रहा है वो इस फिल्म के द्वारा आप लोगों को जानने मिलेगा। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी ये सिर्फ आध्यात्मिक संस्था नहीं है, ये सोशल कॉज के साथ जुड़ी हुई है और इनके मेडिटेशन के द्वारा सोसाइटी को कैसे लाभ होगा ये भी आपको इस फिल्म के द्वारा जानकारी मिलेंगी। ये जानकारियाँ लेने के लिए मैं सारी जनता को आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि अवश्य आए और इस फिल्म को देखें। आप समझे, सिर्फ फिल्म माना एंटरटेनमेंट नहीं है, इस फिल्म के द्वारा हम आपके जीवन से जुड़े हुए जो आध्यात्मिक बातें हैं, जीवन से जुड़ी हुई जो सोसाइटी को ऊपर लाने की बातें हैं वो आपको जानने मिलेंगी।